हिमाचल में इस बार सीजन का सबसे बड़ा हिमपात हुआ है। तड़के 5 बजे शुरू हुई बर्फबारी देर शाम तक जारी रही। भारी बर्फबारी से सुबह में 5 नेशनल हाईवे समेत 879 सड़कें बंद रही। चंबा जिले की पंचायत सुनारा के गुआ गांव में बर्फ में फिसल कर खाई में गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ बर्फबारी का आनंद लेने गांव से कुछ दूर निकल गया। यहां पर पांव फिसलने से वह खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी में सुराल पावर हाउस पर हिमखंड गिरने से सुराल समेत आसपास की 3 पंचायतों में बिजली गुल हो गई। 800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बिजली संकट गहरा गया है। सैकड़ों पेयजल योजनाएं हाफने से पीने के पानी की किल्लत हो रही है। पारा माइनस में होने से जनजीवन जम सा गया है। कई क्षेत्रों में भूस्खलन से रास्तों में HRTC की दर्जनें बसें फंस गई हैं। शिमला शहर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। सोलन और रामपुर शहर में भी बुधवार को कई सालों बाद बर्फबारी हुई। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम कुमार ठाकुर ने समेत कई मंत्री और अधिकारी पैदल ही सचिवालय पहुंचे। उधर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। सड़कें बंद होने से सैकड़ों सैलानी जगह जगह पर गाड़ियों में फंसे गए। सैंज का जोड़ने वाला लर्जी सैंज न्यूली मार्क पगलनाला में बाढ़ आने से 15 घंटे बाद खुला। जनजातीय जिला लाहौल में बर्फबारी के बाद सड़कें बिजली पानी और दूरसंचार सेवाएं ठप रही। खराब मौसम के चलते लाहौल के लिए 4 दिन से शीतकालीन हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद है। जिला कुल्लू में करीब 400 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी खजियार में भी भारी बर्फबारी हुई है। सोलन शहर में करीब 4 घंटे तक 6 इंच बर्फबारी हुई। जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र मुल्तान तहसील व बरोट के कई गांवों में अंधेरा पसरा है। धौलाधार की पहाड़ियों भाग सुंगान नड्डी और धर्मकोट में भी ताजा हिमपात हुआ है। शिमला में लगातार दूसरे साल जनवरी में एक दिन के दौरान 40 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। बीते साल 22 जनवरी को शिमला में 45 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 11 से 14 जनवरी तक दोबारा बारिश और बर्फबारी होगी। 12 जनवरी के लिए मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।